जुलाई का महीना और ये विश्व का सबसे ऊंचा पुल चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट और इसके आसपास का खूबसूरत नज़ारा। लोग ऐसे ही खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों को अपने कैमरे में, अपने मोबाइल में कैद करने के लिए और अपने परिवार के साथ में ऐसे खूबसूरत नज़ारों के साथ में उस पल बिताने के लिए बड़े बड़े शहर से पहाड़ों की ओर, हिमाचल की ओर, लाहौल स्पीति की ओर और वैसे ही नॉर्थ ईस्ट की ओर जाते हैं। सच में ये चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट और जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो कटरा से महज 90 किलोमीटर की दूरी में स्थित है, यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा पुल जिसको चिनाब ब्रिज के नाम से जाना जाता है बनाया जा रहा है। और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, यहाँ के आसपास के पहाड़ी और ये पूरी पहाड़ी खूबसूरत हरियाली पेड़ पौधों से ढका हुआ और उसमें उसके ऊपर जब सावन के महीने में जब बरसात, यानी कि जल ही जीवन है शायद, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब आकाश से पानी के कुछ बूंदें जब धरती में गिरती है और इसी तरह का खूबसूरत नज़ारा अपने आप क्रिएट हो जाता है। और ये नीचे की ओर बहती हुई चिनाब नदी और उसके आसपास के पहाड़ी, पहाड़ के पूरे जो चोटियां हैं उनके जो हेड पोर्शन है, सर का हिस्सा है, पूरी तरह से बादलों से ओतप्रोत ढका हुआ और इतना खूबसूरत नज़ारा। और ये चिनाब ब्रिज जैसा मैंने दिखाया, ये नीचे की ओर जो बहती हुई चिनाब नदी जो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी नदी में से एक है और ये नदी हिमाचल के लाहौल स्पीति से स्टार्ट होकर पूरा जम्मू कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान में जाके सतलुज नदी में मिलती है। बहुत ही बड़ी नदी है, इसकी चौड़ाई लगभग 150 मीटर के आसपास और इसकी गहराई और लगभग 70 मीटर के आसपास है और काफ़ी बड़ी नदी है। इस नदी के ऊपर ही जो बनाया जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पुल चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट, जो विश्व का सबसे ऊंचा टावर पेरिस का आइफल टावर से भी ऊंचा है। और इसी जगह में जबकि ये विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, जो भारत का एक राष्ट्रीय परियोजना भी है, दिस इज द नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, दिस इज द ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, और इनका फाउंडेशन स्टोन भी उनके द्वारा ही नीम रखा गया था। और ये सावन का महीना देखिए, खूबसूरत नज़ारा टाइप, यहाँ पे बहुत ही क्लीन वातावरण, यहाँ पे कोई प्रदूषण नहीं है, यहाँ कोई लोगों का अतिक्रमण नहीं है और जो यहाँ के जो नेचर है, नेचर के साथ में अटखेलियाँ खेलते हुए पशु पंछियाँ और कई सारे जंगली जानवर। सच में इस खूबसूरत नज़ारों के बीच में, इस प्रकृति के बीच में अगर कुछ पल बिताया जाए तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि कुछ सुकून जरूर मिलेगा। देखिए यह है चिनाब नदी, ये सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा नदी है। इसके साथ साथ ये एक बहुत ही पवित्र नदी है और इसमें कई सारे अनुष्ठान किए जाते हैं और ऐसी नदी है जो पूरा जम्मू कश्मीर को सिंचाई होते हुए और इस नदी के ऊपर कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी निर्माणरत है, ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है और कई सारे प्रोडक्शन में भी है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा नदी और इसके आसपास के पहाड़ियाँ, वो भी पूरी तरह हरियाली में ओतप्रोत होते हुए हुए और उसके ऊपर पहाड़ी की चोटी के ऊपर पूरी तरह से बादल, ऐसा लगता है कि कहीं बादल ने अपने आगोश में इन पहाड़ियों को पूरी तरह सफ़ेद साड़ी से जो है अपने पल्लू से ढक रखा हो, इतना खूबसूरत नज़ारा। सच में इन खूबसूरत नज़ारों के बीच में लोगों को कुछ सुकून की पल जरूर बितानी चाहिए।
और मुझे इस वीडियो के माध्यम से ये जुलाई का महीना है, विश्व का सबसे ऊंचा पुल सीना ब्रिज और इसके आसपास के सराउंडिंग सीनेरियो को कैप्चर करके आप तक पहुंचाने का मुझे भी जो सुकून मिल रहा है उसको मैं बयान नहीं कर सकता। शायद आपको, मुझे लगता है, मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि ये आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी काफ़ी भाएगा और भविष्य में जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, देश को समर्पित हो जाएगा, जब ऐसी पुल के रास्ते, ऐसी ब्रिज के रास्ते जब जम्मू कश्मीर तक पूरा देश को भारतीय रेलवे के द्वारा जोड़ा जाएगा तो आप लोगों को भी वहाँ तक आने का मौका मिलेगा और आप लोग तब इस यहाँ के खूबसूरत नज़ारा को अपने मोबाइल में कैद कर पाएंगे और अपने परिवार के साथ में या कुछ सुकून के पल बिता पाएंगे। और अवश्य मैं आप लोग सभी को आमंत्रित करता हूँ, प्लीज़ एक बार अवश्य इस खूबसूरत नज़ारा को कैद करने के लिए यहाँ के जरूर आए।